मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुंब्रा में बस यात्रियों को हो रही समस्या, क्योंकि बस काफी देरी से चल रही है और सड़क के किनारे ऑटो रिक्शा या अन्य गाड़ियां जो पार्क की जाती हैं, इसके वजह से काफी ट्रैफिक जाम हो रही है। और इसके सर्वे के लिए आज शमीम खान, मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी, सागर तालुके ट्रैफिक विभाग के इंचार्ज दिलीप पाटिल, ये सभी लोगों ने रेती बंदर से शीलफाटा तक सर्वे किया है। सबसे पहले आपको बता दें कि शमीम खान ने टीएमटी बस में सफ़र करके कंडक्टर की खामियों को पकड़ा है। शिमला पार्क से रेती बंदर जाने के दौरान करीब 3 यात्री जो है वो बिना टिकट लिए ही बस से सफ़र किए और नीचे उतर गए। कंडक्टर ने उनसे टिकट के बारे में पूछा ही नहीं, साथ ही कुछ ऐसे लोग भी मिले जो बिना टिकट के यात्रा बस में कर रहे थे और अपने आप को स्टाफ का है बता रहे थे, मगर उनके पास से कोई भी आईडी नहीं बरामद हुई, जिसके बाद इन्हें टिकट दिया गया। वहीं मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास ब्रिज के नज़दीक रोड के किनारे एक लाइन से ऑटो रिक्शा टेम्पो पार्क की जाती हैं, जिसके वजह से बस जा नहीं पाती है और यही वजह है कि जो बस अक्सर लेट हो जाती है। साथ ही मनपा अधिकारी गोसावी ने बताया है कि रोड के जितने भी काम अभी आधे अधूरे बाकी हैं उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा, चाहे वो गड्ढे हों या फुटपाथ का एरिया हो, जो अभी काम नहीं हुआ है उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। साथ ही गोसावी ने ये भी बताया है कि रोड के किनारे जो गैरेज की दुकान है वो काफ़ी फुटपाथ पर कब्जा किए रहते हैं और गणपति का त्यौहार खत्म होने के बाद इन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इन्हें नोटिस दिया जाएगा, उसके बावजूद अगर ये नहीं मानते हैं तो इनके दुकानों को सील भी किया जाएगा। रेती बंदर से लेकर शेर फाटा तक मुंब्रा में ट्रैफिक की समस्या को लेकर किस तरह से आज जो है जायज़ा लिया गया और बस यात्रियों की समस्या का भी जो है यहाँ पर जायज़ा लिया गया, लेकिन इस दौरान क्या कुछ शमीम खान और मनपा अधिकारी गोसावी ने कहा है आपको सुनाते हैं। शमीम भाई, आज आपने बस में भी दौरा किया और रेती बंदर से लेकर शेर फाटा तक का दौरा किया, ट्रैफिक को लेकर किस तरह की समस्या आपको नजर आई, और आप लोग मनपा के अधिकारियों के साथ में दौरा किया, क्या डिसीजन लिया है, कैसे हल करेंगे? देखिए, एक्चुअली जो आज बस का दौरा हुआ कोई प्लानिंग में नहीं था, इत्तेफाक से मैं अंदर ही था और मैंने अंबर होटल पे बहुत काफ़ी क्राउड देखा, यानी काफ़ी पैसेंजर्स खड़े हुए थे, तो मैंने उन पैसेंजर से उतर के गाड़ी से पूछा आप क्यों इतने टाइम से कब से खड़े हैं, तो उन्होंने कहा साहब 1.5 घंटा हो गया बस नहीं आई। तो हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा कि ये प्रॉब्लम्स है, तो हम बस में बैठे और बस में बैठने के बाद हमने ये नोट किया कनाडे साहब कि जो बस कंडक्टर हैं हम आपको उनका नाम भी देंगे, बस नंबर भी देंगे। हमने उनको मुंब्रा रेलवे स्टेशन तक देखा कि उन्होंने 3 पैसेंजर ऐसे आए साहब जिन्होंने टिकट नहीं लिया। हमने उनसे पूछा कि आपने टिकट क्यों नहीं लिया, इनसे क्यों इनका टिकट बनाया, तो बोले साहब हमको टिकट मांगने नहीं आए वो लोग। मैं बोला ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी गलती है, आप 7/21 रुपये अपने जेब से निकालो और टिकट बनाओ, यही आपकी फाइन है आज की। साहब मैंने आपका काम किया, मैंने 21 रुपये उस कंडक्टर से पे करवाया साहब, क्योंकि टीएमटी नुकसान में साहब हमेशा रहती है। अगर इस तरीके से 3 पैसेंजर्स को एक बस में छोड़ दिया जाएगा तो सर आप जो आप सोचिए सर कि मुंब्रा कोसा से कितनी बस डेली का निकलती है, आती जाती है साहब, अप डाउन करती है। दूसरी कमी उनके अंदर, वो बेचने लगाए थे और उन्होंने कहा कि सामने का बस डेले क्यों है 1.5 घंटा, उन्होंने कहा ट्रैफिक। तो ट्रैफिक को लेकर के आज का हमारा प्रोग्राम जो था वो रेती बंदर से लेकर के हमारा प्रोग्राम जो है वो सिलफाड़ा तक था। ये था कि सिलफाड़ा तक हम लोग दौरा करेंगे और वहाँ तक जाकर के पूरे मुआयना करेंगे। उस मुआयने में ये समझ में आया कि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम शहर में कोई दे रहा है पैसेंजर्स को, परिवहन के लोगों को, तो वो दिक्कत दे रही है रिक्शा, एडो रिक्शा है साहब। और जो गाड़ियाँ बहुत सारी एम्पू टेम्पो रास्ते में खड़ी हो जाती है, गोसावी साहब आप तो हमेशा ज़मीन पे काम करते हैं, सागर साहब ज़मीन पे काम करते हैं, दिलीप पाटिल साहब भी काम करते हैं, निगम साहब भी काम करते हैं, कनाडे साहब भी काम करते हैं, लेकिन साहब विनंती करता हूँ सबसे पहले साहब जो रिक्शे वाले हैं उनको सही तरीके से, जिनके पास इलीगल रिक्शा है उनके ऊपर दिलीप पाटिल साहब आप कंप्लेन दर्ज करो, उनके रिक्शे का जमा करो,
जो रिक्शा वाले बस वाले दादागिरी करते हैं उनके ऊपर एक्शन लो। और साहब मैंने एक चीज़ देखा और आपने भी, आप लोगों ने भी देखा, एमसी साहब ने भी देखा कि साहब जो गैरेज वाले हैं वो गैरेज वाले साहब इतना ज़्यादा जाके जाम करते हैं वहाँ पे रोड को बबलू भाई, कि खास करके मैंने आपके मुमरा में देखा, मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने देखा, इस तरीके से कौसा में तालाब के पास देखा, इमरानपुर में यहाँ देखा, ऐसे बहुत, हाँ बरोड़ बोला आपने, ढाबरोड़ के पास। तो साहब मैं ये आपसे मांग करता हूँ कि गैरेज वालों की जो जो भी जगह है, जो उनका गैरेज का जो भी कुछ डाला वाला है, साहब सीज कीजिए उनको, उनको रोड पे आने का अधिकार नहीं है साहब, ये आपसे हम मांग करते हैं। दूसरी बात साहब, जो गड्ढे वगैरह बहुत सारे रोड पे है साहब, गड्ढे भर दिया जाए। आपने भरने का काम कल रात में चालू किया साहब, मैंने देखा है साहब, सर 2:20 पे आपने साहब व्हाट्सअप किया मुझे और आप मुमरा में थे साहब, आप अच्छा काम कर रहे हैं एमसी साहब, आपने किया, लेकिन साहब जो अधूरे हैं उसको पूरा करें। कमेटी कब बनी थी, ट्रैफिक की कमेटी के लिए मीटिंग हुआ था, तो कमेटी का गठन कब हुआ? बहुत अच्छी बात आपने कहा है। देखिए साहब, हम लोगों ने कमेटी गठन की बात हमारी चल रही है और अभी गणपति जी का त्यौहार भी है, तो इसलिए थोड़ा सा हम ऑफिसर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्द कमेटी गठित होगी और कमेटी गठित होकर के आप लोगों के सामने उसकी लिस्ट आएगी। गोसावी साहब, ट्रैफिक के इशू पे आप लोग दौरा कर रहे हैं, इस दौरान आपने देखा होगा सड़कों पर कई जगह खड्डे भी हैं और इस तरह से जो फुटपाथ है इनका काम अभी नहीं हुआ है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इनकी वजह से भी थोड़ी बहुत ट्रैफिक हो रही है, तो आप आगे किस तरह का इसको लेकर काम करने वाले हैं? उमरा में बारिश अभी जरा खुली है, अपने को ड्राई स्पेल मिला है, तो पहले अपने RMC डाल के काम किया था और वो बारिश में निकल गया और उसका गारंटी भी RMC का अपन नहीं दे सकते हैं बारिश, और ट्रैफिक तो रुकता नहीं है करने के बाद में, इसके लिए अपन रात से डांबर मारने का प्रोग्राम लिए है। अपन डाबड़कोरा से बोले तो अपना जो रेलवे का ब्रिज है उधर से तनोर नगर नाके तक अपन काम रात को किया है, और ट्रैफिक की वजह से दिन में काम नहीं कर सकते अपन। जैसा जैसा अपने को मेन सिटी का काम किया है, अभी जो हेवी ट्रैफिक है इधर, ये वाई जंक्शन से इधर का रास्ता अपने ताबे में नहीं है, वो लोग अपने पीछे है कि तुम ताबे में ले लो, मगर हमने रोड ताबे में नहीं लिया है। जो कालसेकर में काम चौकअप हो गया था, रफीक भाई मेरे साथ थे, जो काम उनको पीछे लग के, जब उनका ही काम नहीं था तो वो कैसे तैयार हो गए? उनका आने के इंजीनियर आया, राठौड़ साहब ने इनको प्रॉमिस किया कि हम वो काम, हमने पीछे खाली उसका फॉलोअप किया तो MLOD ने काम करके लिया। ये साइड शोल्डर का भी काम MLOD के, हमने आज तक वो रास्ता जब उनको काम करने के लिए दिया था हैंडओवर नहीं किया है, इसके लिए आगे वाई जंक्शन के अपना मुमरा स्टेशन बोले तो रेती बंदर तक का काम मैं करके दूंगा, स्पॉट होल फिलिंग का, और आगे का काम MLOD को पीछे लग के फॉलोअप करके लेटर देख के अपन करेंगे। ये लोगों के बहुत कई लोग ऐसे उधर उधर जाके आंदोलन करते हैं, TMC का काम है, TMC का काम है, अरे उन लोगों का ये तो पता करो पहले कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोड, ये भी मालूम नहीं। जब हमने काम किया उनको पीछे लग के, तुम बोले TMC ने, मैं बोला हमने काम नहीं किया, बराबर है रफीक भाई? और उधर कोई किसी ने आंदोलन भी किया था, उनको ये मालूम नहीं कि किसके पास जाने का है, क्या आंदोलन करते, तुमको रास्ता ही मालूम नहीं, हाँ ऐसा काम किया, फिर हमने पीछे लग के, और हमारा काम पीछे MLOD से मैं काम की पीछे करके ले रहा था, ये साइड में कब्जी गिरी थी और फिर वो आके आंदोलन करने लगे, ऐसा हमारा काम तो पहले से चालू था, बिगैर आंदोलन का चालू था, मगर वो बात में मेरे को नहीं जाने का, मगर उनको ये पता कर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके है उसके पास जाने का, यानी कि जो आपके अंडर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप, हम फॉलोअप कर रहे हैं क्योंकि हम मेरी पब्लिक मुमरा की पब्लिक जाती है उधर से, ताकि किसी का एक्सीडेंट नहीं होना मांगता है, अपने लोगों को तकलीफ नहीं होना मांगता है, छोटे छोटे बच्चे लोग उधर जाते थे, हमारा फॉलोअप एक महीने से, मैं रफीक भाई और उधर के नगर सेवक ये अपने रेहन भाई, हाँ पूरा खड़ा होके काम कर रहे हैं हम उधर। अभी दूसरा एक बात बोलता हूँ, जो शमी भाई ने बोला है तो अपन कम से कम 13-14 पॉइंट पर सर्वे किया है, वो हिसाब से ज़्यादा हम काम करने की कोशिश करेंगे, और मुमरा का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है एक दिन में सॉल्व नहीं होने वाला, ये 50 साल से चल रहा है, तो आप थोड़ा भी ऐसा अभी ये वो साहब इतने कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको जगह नहीं है तो वो कहां, वो अभी मिलके वो मेरे को कोऑपरेट कर रहे थे, मैं भी जगह के बारे में उनको 100% कोऑपरेट करूंगा। शमीम भाई ने भी ये दिल पे लिया, तुम लोगों ने भी दिल पे लिया, बुमराह का ट्रैफिक अपन कम करके, क्या कौन सी कहा
लगभग 80 गुंटे के करीब जमीन आपको कलेक्ट्रेट ने हैंड ओवर की है, 15-20 गुंटे आपने इस्तेमाल की, बाकी की जमीन आपके पास वैसी ही है और शहर के अंदर है, वो काफी कन्वीनियंट रहेगी, वो क्यों नहीं देते आप ट्रैफिक विभाग को? सर्वे 929A, ये टोटल सर्वे नंबर, उसकी जगह है 98 गुंटा टोटल, उसमें से 16 गुंटा फायर ब्रिगेड गया, 27 गुंटा स्मशान भूमि गई और हमारा जो अतिक्रमण का ऑफिस है वो 2 गुंटे में गया, तो भी अपने पास उधर से 58 गुंटा जगह बसती है टोटल। मगर 58 गुंटे के बारे में उसने चाल, एक आदमी ने उधर चाल बांधी थी, जिधर अभी वड़ा पाव के कुछ तो बेच रहा है वो आदमी, उधर उसके 2 रूम थे, उसके ऊपर अपन कार्रवाई किया तो वो कोर्ट में चला गया मैटर, थोड़ा वो मैटर है ना वो कोर्ट में है, तो अभी उसका स्टे है, आप स्टे उठा के वो जगह भी तामे भी पक्का ले लेंगे अपन, वो यूज हो सकती है ना, अरे वो सेंटर पॉइंट में है, सेंटर सिटी है और बहुत वो आइडियल जगह है लोगों के लिए भी, पार्किंग के लिए भी और सबके लिए भी। उमरा में जितने भी गैरेज वाले रोड के ऊपर आके धंधा करते हैं, जितने भी सर्विस सेंटर वाले रोड के ऊपर आके हमारा फुटपाथ यूज करते हैं, हमारा फुटपाथ जो ओपन नहीं रखेगा उसके ऊपर, अभी मैं तुम्हारे माध्यम से उनको, ये गणपति का त्यौहार कल गणेश जी आ रहे हैं, मगर और 2-3 दिन का उनको मुदत देता हूँ, फुटपाथ के ऊपर रिपेयरिंग हो जाए उसका सामान तो जब्त हो जाएगा, उसका फाइन लगेगा और उसका दुकान भी सील करेंगे, और जो जो दुकान वाले बाहर आके धंधा कर रहे हैं, जैसा दुकान है 10x10 का और बाहर सामान रखते हैं, उनका सामान हम जब्त करेंगे, ये मैसेज तुम्हारे तरफ से उनको जाने दो, हमारे फुटपाथ तक रोड क्लियर रहेगा। जैसा अभी अपने आमदार साहब ने 1.5 साल पहले ये कचरा कुंडी थी मित्तल में, पीछे लग के अभी हमने वो कचरा कुंडी भी पीछे कर दिया, 1.5 साल के ट्राई करते इनके बाद में मनीष जोशी ने वो काम उसको स्पॉट में के लिए हमको जगह ढूंढ के मिले, ऐसे 3-4 स्पॉट है वो कचरे के भी, हम भी हमारा भी जो सामान है फुटपाथ पर वो भी हम हमारा उधर से निकाल रहे, पब्लिक से मेरी अपील है ये 3-4 दिन में नहीं तो हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनको करने के लिए मजबूर मत करो, इतना एक मेरे विनंती हमारे डिपार्टमेंट।